नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। बात करते हैं नोएडा से। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली दो बदमाशों को लगी है। पुलिस ने उक्त मुठभेड़ के दौरान कुल तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 4 फरवरी को एक व्यापारी को गोली मारकर लूटी गई हीरे की अंगूठी बरामद की है। बदमाश जो है वो जा रहे थे, उन्होंने पुलिस चेकिंग के दौरान रोका गया। पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, दो बदमाशों को गोली लगी है। और प्रारंभिक जो पूछताछ अभी तक हुई है, जैसा इन्हें पहचाना गया है, इन्होंने कई घटनाएं की हुई थी। करीब करीब 11 घटनाएं इन्होंने नोएडा में की हुई थी। हमारे सिटी के 8 थाना क्षेत्रों में करीब 11 घटनाएं थी जो इन्होंने गन पॉइंट पे लोगों से लूटपाट की हुई थी और सोने के आभूषण वगैरह लूटे थे। अन्य जनपदों में भी लूटे थे। इस तरीके का इनकी पूछताछ में बात आई है। और इनके पास से जो गाड़ी मिली है, संभवतः वो भी नहीं की लूटी हुई है, डिटेल उसकी निकली हुई है। सर, की क्रिमिनल हिस्ट्री अब तक कितने मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं? एक बदमाश के ऊपर करीब करीब 51 मुकदमे दर्ज हैं, दूसरे के ऊपर करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। 4 फरवरी को हमारे यहाँ पे एक सेंसिटिव घटना हुई थी, जिसमें BMW में दो व्यापारी बैठे हुए थे और इन्होंने शीशा नीचे कराना चाहा और फिर फायरिंग की, जिसमें से एक व्यापारी को गोली भी लगी थी। उसमें इन्होंने कड़ा और सोना कुछ लूट लिया था।